नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर चंदौली जिले का चंद्रप्रभा डैम है। 1997 से पहले चंदौली जिला वाराणसी का ही भाग था। ये डैम चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया गया है, जो कि 60 साल पहले चंद्रप्रभा नदी पर बनाया गया है। इसी बांध के जल पर दो वाटरफॉल राजदरी और देवदरी हैं। ये बांध देखने में आपको साधारण सा बांध लगेगा, लेकिन इस बांध को बनाने में हजारों जेल के कैदियों ने मिलकर बनाया है। जब डॉक्टर संपूर्णानंद गृह मंत्री थे, तब उन्होंने ओपन जेल को लेकर एक अनूठी पहल की और जिसका नतीजा एक बांध के रूप में आपके सामने है। उन्होंने 1000 कैदियों को ओपन जेल के रूप में उनसे चंद्रप्रभा डैम बनाने का काम शुरू किया, जो कि 1953 में शुरू हुआ। जब वह यूपी के सीएम बने तो 1955 में उसका उद्घाटन किए। उस समय सिंचाई मंत्री कमलापति त्रिपाठी जी थे। इस बांध को बनाने में 40 लाख रुपए की लागत आई। इस बांध की गहराई 236 फीट है और पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 3300 मिलियन क्यूब फुट है। इस नदी की तलहटी से हाइट 21 मीटर है और पक्के बांध की हाइट 65 फीट है। इस बांध से निकाली गई नहरों से चकिया चंदौली तहसीलों की 24,000 एकड़ भूमि सींची जाती है। गर्मियों के समय में बांध में पानी कम होता है, टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन बरसात में लोगों की खूब भीड़ होती है। इस बांध से आप चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खूबसूरती देख सकते हैं और लोग आसपास के जिलों से यहाँ पिकनिक मनाने और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोर से दूर एक जगह आपको सुकून जरूर देगा। एक बार आप इस जगह ज़रूर आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।